कि राजनीति में यूपी हमेशा ही सभी राजनीतिक दलों की नजरों पर रहती है। सभी पार्टियां चुनाव में यूपी के लिए हमेशा ही अलग से रणनीति बनाती है। बात अगर भाजपा की हो तो ये उत्तर प्रदेश ही है जिसके दम पर 2014 में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी। यूपी में उपचुनाव में भाजपा की हार के बाद महागठबंधन ने खुद को ताकतवर कहना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता यूपी होकर जाता है। अगर किसी दल को सत्ता में पकड़ बनानी है तो उसे यूपी में बेहद अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। महागठबंधन या कहें सपा बसपा की जोड़ी यूपी में कांग्रेस को भी गठबंधन से बाहर करने को तैयार है, ताकि बुआ भतीजे की जोड़ी कांग्रेस के आगे कमजोर नहीं पड़ जाए। और अगर महागठबंधन को 2019 चुनाव में जीत मिलती है तो अच्छे से सौदेबाजी कर सके। ऐसे में भाजपा कैसे पीछे रह सकती है? भाजपा का तो केंद्र और राज्य दोनों पर कब्जा है, इसीलिए बीजेपी निश्चित रूप से चाहेगी कि यूपी में फिर से 2014 वाली सफलता दोहराई जाए। मोदी जी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से आसपास के सारे इलाकों को भगवा करने की तैयारी में हैं। तो अमित शाह जिन्हें मोदी ने 2014 में यूपी का चुनाव प्रभारी बनाया था और भाजपा ने वहां लगभग क्लीन स्वाइप किया, फिर से वैसी ही रणनीति के साथ फिर से मैदान में आ चुके हैं। एक कहावत है कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। जिस वक्त मन में अहंकार आ जाता है कि मैं बलवान हूँ, दुश्मन उसी वक्त मजबूत हो जाता है। तभी तो मोदी के चाणक्य अमित शाह ने भी कार्यकर्ताओं से कहा कि महागठबंधन में कोई दम नहीं है, लेकिन दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझो और उससे हमेशा सावधान रहो। शायद इसीलिए ही भाजपा पिछले 15 वर्षों तक सत्ता में रही। सपा बसपा की जोड़ी को कमजोर समझने का परिणाम उपचुनावों में देख चुकी है। अब फिर से ऐसी गलती दोबारा करना नहीं चाहती, इसीलिए अमित शाह ने 2019 में बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ताओं को पूरे देश में तन मन से तैयारी में लग जाने का आदेश दिया है। भाजपा की तैयारियां और मोदी शाह की कुशल रणनीतियों से ऐसा लग रहा है कि 2019 में सिर्फ यूपी में ही नहीं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर कामरूप तक भगवा का लहराना निश्चित है। थैंक यू।